यहाँ पे प्याज ग्राइंड करने के बाद आज हम बना रहे हैं अगस्त्या फूल की भाजी। इसका इंग्रेडिएंट्स मैं बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे 8 से 10 गार्लिक पॉड्स लिए हैं, एक अंडा लिया है। अंडा जिसे पसंद नहीं वो इसे अवॉइड कर सकते हैं। 2-3 देसी मिर्ची, जीरा, एक कांदा या प्याज, थोड़ा सा नारियल और थोड़ी सी हल्दी और नमक। सबसे पहले भाजी का मिक्सचर बनाना है। उसके लिए इन सब चीज़ों को कोर्स ग्राइंड करना है, एकदम बारीक। इस तरह सब एक साथ लेना है। मैंने यहाँ पे प्याज, गार्लिक, मिर्ची, हल्दी, नमक, जीरा और नारियल, इसे कोर्स ग्राइंड करना है, एकदम बारीक नहीं करना है। कुछ इस तरह होगा ग्राइंड करने के बाद। बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक हंडी ली है। इसमें मैं डाल रहा हूँ वेजिटेबल ऑयल 1-2 चम्मच। तेल गर्म हो चुका है, अभी हम इसमें डालेंगे राई। राई कटा हुआ प्याज, दो मिर्ची और थोड़ा कड़ी पत्ता। इसे थोड़ी देर फ्राई करना है। प्याज फ्राई हो चुका है, अभी हम इसमें डालेंगे नारियल का मिक्सचर जो हमने बना के रखा था। इसे भी थोड़ी देर फ्राई करना है। अभी हम इसमें डालेंगे अंडा, जिसे पसंद नहीं है वो अवॉइड कर सकते हैं। इसे 1 से 2 मिनट बंद करके पकाना है। अभी हम इसमें डालेंगे फूल, अगस्त्या फूल। मैंने इसे चॉप किया है इस तरह। इसी का पत्ता भी आता है, पत्ता भी भाजी बना सकते हैं। और इसे इस तरह अच्छे से मिक्स करना है। यही जाड़ का पत्ता भी मिलता है, उसी उसका भी भाजी बनाया जाता है। इसमें हेल्थ बेनिफिट्स बहुत है। नमक चेक कर लेना, क्योंकि मिक्सचर बनाते टाइम भी हमने नमक डाला था। ये फूल का इंग्लिश नाम है सेजबैनिया ग्लैंडीफ्लोरा। आप इसका हेल्थ बेनिफिट्स चेकआउट कर सकते हैं। भाजी अभी रेडी हो गया है, अभी हम लास्ट में इसमें डालेंगे थोड़ा कड़ी पत्ता। बहुत ही टेस्टी बनता है इसका भाजी, आप सब लोग जरूर ट्राई करके देखिए। भाजी हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे देना। थैंक यू।